हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल गैस एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो नेचुरल गैस भी अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग के साथ बंद हुआ है 337 पे, लगभग 24 रुपये नीचे, लगभग 6.5% डाउन ऑन फ्राइडे। तो देखते हैं चार्ट पे अभी कैसा दिख रहा है। तो शुरू करते हैं मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि नेचुरल गैस जो है तो लगभग 7.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, लगभग 27 रुपये नीचे। और यहाँ हमने दोनों तरफ के लेवल देखे थे, यहाँ हाई देखा था 412 का, लो देखा था 292 का। तो लगभग 120 रुपये की रेंज और हम जो है तो ऑलरेडी नेगेटिव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ जो है तो ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा सप्लाई आ रहा है मार्केट में, तो शायद ये कंटिन्यू रह सकता है। जिस तरह से यूएस और रशिया के बीच में टेंशन है और यूक्रेन और रशिया का वॉर चालू है, तो ये शायद जो प्राइजेस है उनको डाउन रख सकता है। और जो सैंक्शन लगे रशिया पे उसकी वजह से भी जो है तो नेचुरल गैस की प्राइजेस में थोड़ा सा सॉफ्टनेस रह सकता है, उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये जो है अभी जो प्राइजेस नीचे जा रहे हैं ये मोस्टली ड्यू टू यूएस मैनिपुलेशन के वजह से है, और ये कंटिन्यू नीचे भी जा सकते हैं। अभी मंथली चार्ट पे जो है तो ऊपर का 430 का हमारा टारगेट था, लगभग वो हमने 412 के हाई देखा और वो उस टारगेट को टच करने की कोशिश की, मगर या ऑन न्यूज़ फ्लो या हाई वोलेटिलिटी है। मंथली चार्ट मुझे नेगेटिव लग रहा है, ऊपर के लेवल से हम अच्छे खासे नीचे आ चुके हैं, तो ये कंटिन्यू हो सकता है और नीचे के लेवल फिर से हम टेस्ट कर सकते हैं। नीचे जो सपोर्ट है वो 280 और 230 के नेचुरल गैस के लिए एज़ पर मंथली चार्ट। अभी देखते हैं वीकली चार्ट पे कैसा दिखता है। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने कोशिश की थी जो 377 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने की, वहाँ से फिर से जो है तो रिजेक्शन आया, हम नीचे गए। फिर से हमने जो है तो कोशिश की, इस हफ्ते जो है तो लगभग हमने हाई लगाया था 375 का और लो था लगभग 331 का, और हम लो के करीब बंद हुए। तो ये क्लियरली दिखाता है कि हम फिर से रिजेक्शन देख चुके हैं 375 के लेवल से। तो ये जो है ये शायद कंटिन्यू होगा, यहाँ से हम नीचे के ही लेवल आते हुए देखेंगे। जब तक नेचुरल गैस 375 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मुझे लगता है कि ट्रेंड चेंज नहीं होगा। यहाँ नीचे जो सपोर्ट है वो 301 का, उसके बाद में 270 और 230 के जो सपोर्ट जोन दिख रहे हैं मुझे, तो उनको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। यहाँ ऊपर के लेवल से अच्छा खासा सप्लाई आ चुका है, तो यहाँ अगले वीक जो टारगेट बनता है शायद 301 का टारगेट मिनिमम रहेगा। अगर डीपर फॉल आता है या फिर शार्प फॉल आता है तो 270 से लेकर 230 के लेवल भी हम नेचुरल गैस में देख सकते हैं। अगर आपको बाइंग करनी है तो मैं सलाह दूंगा कि 375 के ऊपर ही कीजिए, क्योंकि इस बार फिर से फेल हो चुका है नेचुरल गैस उसको क्रॉस करने के लिए, जो रिजल्ट होगा हेवी से रॉक में। अभी देखते डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने अच्छा खासा ऊपर के लेवल देखे थे, वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से ऊपर के लेवल से जो है तो प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। डेली चार्ट एज कम्पेयर्ड थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वीकली और मंथली से कंपेयर करोगे तो, मगर यहाँ जो है तो थिंग्स कैन बी गो रॉन्ग और यहाँ हम फिर से नेगेटिव टेरिटरी में जा सकते हैं। मगर यहाँ दोनों तरफ के मूव्स, क्योंकि आप देख सकते हो कि किस तरह से वोलेटाइल है नेचुरल गैस, ऊपर के नीचे के दोनों तरफ के सेम आगे भी वैसा ही चलता रहेगा। तो यहाँ जो है तो आपको देखना है कि 312 अगर टूटता है तो फिर से नेचुरल गैस जो है तो एक सेल ऑफ दिखा सकता है। मगर जिस तरह से वीकली और मंथली चार्ट है, मुझे लगता है कि जिन्हें रिस्क लेना है उनके लिए सलाह रहेगी कि सेल ऑन राइज व्यू रखिए। आपका जो सेल ऑन राइज व्यू रखना है तो आपको 345-350 के बीच में अराउंड जो है तो सेल जाना है, शॉर्ट जाना है नेचुरल गैस पे। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 360 का और टारगेट रहेगा आपका 300 रुपये का। तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है, 10 रुपये की रिस्क है और लगभग 45-50 रुपये का टारगेट है। तो इस तरह से आप उसको ट्रेड कर सकते हो। शायद आपको यहाँ जो है तो फिर से बाउंस बैक देखने को मिलेगा, मगर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आपको 360 के ऊपर ही रखना पड़ेगा। और यहाँ मेरा व्यू बेरिश रहेगा, ये तो स्ट्रिक स्टॉप लॉस है वो 360, या हम सेल करने की कोशिश करेंगे 345-350 के अराउंड, स्टॉप लॉस 360 और टारगेट रहेगा 301 का। उसके नीचे जो है तो 270 और 230 के टारगेट भी ओपन होते हैं। अगर हम वीकली क्लोजिंग जो है तो 300 के नीचे दिखाते हैं तो हम 270-230 के लेवल के लिए भी जा सकते हैं, और यहाँ हमें मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा जो
एनर्जी मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम आपने यूएस ने जब ये कोरोना काल में भी देखा होगा कि किस तरह से यूएस ने मैनिपुलेट किया था क्रूड ऑयल को, ना नेगेटिव में लेकर गए थे, तो उस तरह का नेचुरल गैस में भी देखने को मिल सकता है और बहुत नीचे के भी लेवल आ सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर नेचुरल गैस की प्राइसेस नीचे रही तो वो रशिया को हर्ट करेगी इकोनॉमी के लिए, और यूएस यही चाहता है, तो उसकी वजह से जो नेचुरल गैस को वो बहुत ही डंप कर सकते हैं और उनके जो प्राइसेस है शायद आने वाले दिनों में नेचुरल गैस की प्राइसेस में हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस दिखाई देगा या फिर वीकनेस दिखाई देगा। तो अगले वीक के लिए यहाँ मेरा सेलिंग का व्यू रहेगा 345-350 के अराउंड सेल जाना है, 360 के ऊपर स्टॉप लॉस, 300 का पहला टारगेट, अगर वो टूटता है तो 270 और 230 के भी टारगेट हमें मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं नेचुरल गैस में। मगर यहाँ एक बात याद रखनी है कि वोलेटिलिटी की वजह से दोनों तरफ के स्टॉप लॉस जाते हैं, तो यहाँ स्टॉप लॉस जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर आप छोटे ट्रेडर हो तो फिलहाल मार्केट से दूर रहिए, मार्केट को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, ये सब न्यूज़ फ्लो उनको जाने दीजिए और उसके बाद में फिर से मार्केट में आ सकते हैं, तब तक वेट एंड वॉच कीजिए, जो प्राइस मूवमेंट आती है उसका मजा लीजिए। तो यहाँ थोड़ा सा रिस्क हायर लेवल पर रहेगा हर एक ट्रेड में। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी मेरे प्रीमियम जो सर्विस है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।